नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शनिवार शाम को राव के तिजाजी चौक में राव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव तो एक बहाना है, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था, क्योंकि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता ही मेरा भगवान है। जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैंने पिछले 18 सालों में जनता के कल्याण के लिए अनेकों योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास कर रहा है। डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आक्रामक अंदाज में बोले कि खबरदार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.25 साल में वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना दिया। मध्य प्रदेश को बर्बाद और तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं संकल्प दोहराता हूं कि मेरी लाडली बहनें 10,000 रुपए कमाएं और साल भर में 1,00,000 रुपए अधिक उनकी आय हो। जब लड़की बहना लाडली बहना के माध्यम से मेरी प्यारी बहनों के खाते में 3,000 तक डाले जाएंगे, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। और किसान भाइयों को 6,000 मोदी जी दे रहे हैं और 6,000 रुपये आपका भाई शिवराज दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लाडली बहना, और अगर कांग्रेस की सरकार आ गई ना तो लाडली बचेगी और ना बहना बचेगी, सभी योजनाओं पर ताले लग जाएंगे। सभा में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा, सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू पटवारी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी, भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, जिला अध्यक्ष घनश्याम नारुलिया, नगर परिषद अध्यक्ष पप्पी विजय पाटीदार, सुरेंद्र मंडले, पूर्व अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू सहित कई जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राव से संवाददाता इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। कांग्रेस घटिया स्तर पर उतर आई है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जनता को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पहले अधिकारी कर्मचारियों को डराया कि कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीस की है। अधिकारियों को डराते हैं, कर्मचारियों को डराते हैं। लेकिन आज तो उनमें उनके एक नेता ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को डराते हुए भाषण दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो तुम्हारे घरों का चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हारे तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब ये जो डराने का काम है, मैं कह रहा हूं कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से कि कांग्रेस इस स्तर पर ना उतरे। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को डराओगे, धमका के वोट लोगे? क्या उनको अपने मन से अपनी पार्टी चुनने का अधिकार नहीं है? उनको डराया और धमकाया जा रहा है। अरे मुझसे दुश्मनी है तो बदला मुझसे लो, मेरे बारे में कुछ भी उठपटांग बोलो, लेकिन अगर बहनों को डराया धमकाया और उनके बच्चों को भूखा मार देंगे ऐसी बात की, तो हम ऐसा कहने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग ये ना समझे कि डरा के वो वोट ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी, और मैं स्वयं इसको बहुत गंभीरता से लेंगे।